सब्सक्राइब कीजिए ऑल राउंडर बीएसएस चैनल को और हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. ऑल राउंडर बीएसएस इज नाउ वी नो व्हाट वी कैन. सो फ्रेंड्स, ऑल राउंडर बीएसएस टीम की ओर से मैं बी एस सोलंकी आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ. तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने जो पढ़ाया था, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारा पहले वाला वीडियो पूरा देख लिया है. तो इस वीडियो में मैं आपको एक बार आगे बढ़ने से पहले, एक हमारे जो सब्सक्राइबर है सचिन जी, जो उन्होंने मेरे को कुछ प्रश्न लिख के भेजे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के, यानी वर्ग और वर्गमूल के, तो वो प्रश्न मैं सबसे पहले आपको सॉल्व करो लेता हूँ. वो प्रश्न आपके भी बहुत काम आएंगे. तो उन्होंने एक जो प्रश्न दिया है, सबसे पहला जो प्रश्न है उनका प्रश्न है 16 का होल स्क्वायर इनटू 4 का होल स्क्वायर, इसका क्या होगा, ऐसा प्रश्न पूछा गया है. तो इस प्रकार के प्रश्न में क्या है कि हमें पहले तो 16 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा. तो 16 का स्क्वायर मतलब 16 इंटू 16, फिर हमें क्या करना है 4 इंटू 4. इस प्रकार से हमारा जो है इसका आंसर आएगा. अब क्या करना है, 16 को 16 से इंटू करेंगे तो क्या आता है दोस्तों, 256. और जब हम 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 16. अब हम क्या करते हैं, इस 16 को 256 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आता है 16 × 6 ऊपर लगा 9, 16 × 5 = 80 और 9 = 89, 16 × 2 = 32 और 8 = 40. तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 4096. इस प्रकार से ये आपका था पहला प्रश्न. इसके बाद वाला जो प्रश्न है वो होगा एक और, जो उन्होंने को 4-5 प्रश्न मुझे दिए हैं, तो आप भी ऐसे प्रश्न सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा. मुझे अच्छा लगा कि जो है लोग, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो वीडियोस को पूरा देखने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ वो उनको जो प्रश्न ना आए वो प्रश्न भी वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और वो हमसे पूछ भी रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है. चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15/8 × 16 का स्क्वायर, ये प्रश्न उन्होंने मुझे दिया है. अब क्या होता है दोस्तों, ऐसे प्रश्न का मतलब क्या है, देखिए दोस्तों ये एक होल स्क्वायर है. दोस्तों क्या है होल स्क्वायर, होल स्क्वायर मतलब पूरी संख्याओं के ऊपर एक स्क्वायर है, यानी ये जो स्क्वायर है ये 15 के ऊपर भी लगेगा, 8 के ऊपर भी लगेगा और 16 के ऊपर भी लगेगा. अब कैसे करेंगे इसको, इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, जैसे देखिए दोस्तों आपने वी बोर्ड मास का नियम पढ़ा होगा, वी बोर्ड मास के जो आता है इसमें सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, लाइन सॉल्व करते हैं, फिर ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी यहां पर है नहीं, सबसे पहले क्या आता है ब्रैकेट, तो हम सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे ब्रैकेट. तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं 15/8 × 16, ऊपर जो स्क्वायर है उसको हम उसके बाद सॉल्व कर लेंगे. लेकिन देखिए दोस्तों 8 × 8 = 8, 8 × 2 = 16, 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आता है 30. फिर 30 का हमें स्क्वायर निकालना है, 30 का स्क्वायर क्या आता है 900. तो ये हो गया आंसर. तो आपका जो ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है 900, तो ये आपका ऑप्शन होगा. अब देखिए एक तीसरा क्वेश्चन और है वो ले लेते हैं, 16 × 12 / 20 ². तो ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके जवाहर नवोदय विद्यालय के कंपटीशन का, जो मतलब एग्जाम होता है एंट्रेंस एग्जाम, उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. इसमें क्या करना है दोस्तों, आपको सबसे पहले 16 का स्क्वायर निकालना है, क्या आया था अभी 256, प्लस हमें किसका स्क्वायर निकालना है 12 का, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, बट्टा में हमें क्या लिखना है 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर क्या होता है 400.
अब क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। जो हम है यहाँ पर 256 और 144 को जोड़ देते हैं और उसमें 400 का भाग दे देते हैं। तो जब हम 256 और 144 को जोड़ते हैं तो हमारे सामने जो संख्या आती है वो क्या आती है, 400। और 400 में हम 400 का भाग दे देते हैं तो क्या आता है, 1। तो जो आपका ऑप्शन है वो एक वाला ऑप्शन एकदम सही है। अब एक और क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, 48 माइनस 8 का होल स्क्वायर ओवर 40, यानी कि 48 माइनस 8 का होल स्क्वायर। देखिए दोस्तों, होल स्क्वायर का मतलब होता है कि ये स्क्वायर 48 के ऊपर भी लगेगा और ये स्क्वायर 8 के ऊपर भी लगेगा, बट्टा में दिया है 40, इसका क्या आंसर होगा ये पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कई बच्चे क्या करते हैं, मिस्टेक कर देते हैं। क्या मिस्टेक कर लेते हैं वो, कि 48 का स्क्वायर निकालते हैं, फिर 8 का स्क्वायर निकालते हैं, फिर इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को माइनस कर देते हैं। लेकिन इतना बड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है, इतना वेस्ट ऑफ टाइम की कोई जरूरत नहीं है। क्या करते हैं हम, सीधा 48 में से 8 को माइनस कर देते हैं, क्योंकि मैंने आपको सबसे पहले कहा था बी पहले सोल्व करना है, बी माने होता है ब्रैकेट। तो सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे, ब्रैकेट। तो 48 माइनस 8 क्या होता है, 40। तो 40 का होल स्क्वायर ओवर 40। अब क्या होता है यहां पर, 40 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है आपको दोस्तों मालूम होगा, 40 इंटू 40 और नीचे क्या है 40। तो इस 40 से इस 40 को कैंसिल कर देते हैं, पीछे क्या बच गया, 40। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब जो है नेक्स्ट हम लेते हैं एक और क्वेश्चन है। कई अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उन्होंने मुझसे पूछे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया उनका कि वो हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और उन्होंने जो है प्रश्न पूछे हमसे, उन्होंने कई दिन पहले पूछे थे लेकिन उनका जवाब मैं आज दे रहा हूं क्योंकि बहुत काम था मेरे को, प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है ये पूछा गया है। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए दोस्तों देखिए, 65 का होल स्क्वायर माइनस 64 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमें यह प्रश्न कैसे सॉल्व करना है, मेन चीज ये आती है। अब देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास एक इक्वेशन होती है। अब अगर आप, कई बच्चे क्या करते हैं, 65 का स्क्वायर निकालते हैं, 64 का स्क्वायर निकालते हैं, फिर माइनस करते हैं, तो ये बहुत बड़ा हो जाता है। इसको शॉर्टकट तौर पर सॉल्व करने के लिए आपके पास इक्वेशन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर वो वाली इक्वेशन है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाली इक्वेशन है। लेकिन यहां पर जो इक्वेशन यूज होगी वो कौन सी है दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। यानी कि मैथमेटिक्स की एक इक्वेशन है, अगर आपको इस इक्वेशन के बारे में मालूम नहीं है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन इक्वेशन के बारे में एक बार फिर से बता दूंगा, क्योंकि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में शायद आपको इसके बारे में बता दिया है। तो ये इक्वेशन क्या कहती है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। यानी कि सपोज हम इसको ए मान लेते हैं, यानी कि 65 को हम मान लेते हैं ए और 64 को हम मान लेते हैं बी। अब क्या होता है, हम पहले इतना ही सॉल्व करते हैं दोस्तों, यहां से लेकर यहां तक इस एक स्क्वायर को अभी छोड़ देते हैं, इसको हम इसके बाद में सॉल्व कर लेंगे। अब यहां पर देखिए दोस्तों कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम किस प्रकार लिखते हैं, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो हम यहां पर क्या करते हैं, ए क्या है हमारे पास 65 प्लस बी क्या है हमारे पास 64, ये हो गया इनटू में क्या है ए क्या है 65 एंड बी क्या है 64। अब क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, इन दोनों को जोड़ने के बाद हमारे पास क्या आता है 129 इनटू में क्या आता है यहां पर 1, ये आ गया।
अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए 65 में से 64 को माइनस किया तो क्या आ गया 1। अब यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, मतलब क्या होगा यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह होगा। अब हम इसको भी यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर क्या है 1 का स्क्वायर। और देखिए दोस्तों 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब या 1 की घात चाहे कितनी भी ले लो हमेशा 1 होता है। तो चलिए दोस्तों 129 को 1 से पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 129, 129 ही आता है और उसमें 1 जोड़ देते हैं तो क्या आता है 130। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा 130। अब चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं, एक और क्वेश्चन है। अगर आपको इक्वेशन के बारे में पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन हो चुका है, अब 28वां क्वेश्चन एक और दिया हुआ है वो देखते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इन्होंने मेरे को दिए, अच्छा लग रहा है कि इस प्रकार के क्वेश्चन भी बच्चे पूछते हैं। चलिए 57 का स्क्वायर माइनस 52 का क्यूब, सॉरी 52 का भी स्क्वायर ही है यहाँ पर, इज इक्वल टू 5 इंटू वाट। ये इस प्रकार का प्रश्न, ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा बिल्कुल मतलब प्रश्न तो वही है उसी प्रकार का है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अट्रैक्टिवनेस इसमें है कि बच्चे का माइंड कितना दौड़ता है। अब इसमें क्या दिया हुआ है देखिए दोस्तों, कि यहाँ पर तो हम मान लेते हैं कि हम वही इक्वेशन यूज करेंगे, कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है, ए की वैल्यू हम ले लेते हैं 57 एंड बी की वैल्यू हम ले लेते हैं 52। ले ले, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ए की वैल्यू है 57, बी की वैल्यू है 52, फिर ए की वैल्यू है 57 माइनस बी की वैल्यू है 52, यहां तक हो गया। अब इनको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है 100 और 109, 109 मल्टीप्लाई किससे होगा, ये किससे होगा 5 से, क्योंकि 57 में से 52 को माइनस किया तो क्या आ गया 5 इज इक्वल टू, इज इक्वल टू में क्या है 5 इंटू क्वेश्चन मार्क, यानी कि हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा वो हमसे पूछा गया है। तो अब देखिए दोस्तों, जब यहां पर 5 है और वहां पर भी 5 है, ये भी 5 क्या है मल्टीप्लाई में है और ये भी 5 क्या है मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई वाले दोनों एक दूसरे से कट गए, कट हो जब यहां से हुए तो हमें क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू क्या मिल गया 109, 109। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा 109। आ गया समझ में, नहीं आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, आपको हार्ड लग रहा है या आप उस प्रश्न में शॉर्टकट चाहते हो, तो आप जो हमारा व्हाट्सएप का लिंक भी नीचे दिया हुआ है और एक ऐप है उसका भी जो है उसका लिंक भी नीचे दिया हुआ है, तो आप वहां से हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन एक और दिया हुआ है, 65 स्क्वायर माइनस 60 स्क्वायर इज इक्वल टू 55 स्क्वायर माइनस 50 स्क्वायर माइनस 50 स्क्वायर और इसको पूरा बंद करके x, ये क्या दोस्तों लिखा है x मल्टीप्लाई बाय x। अब इसको कैसे सोल्व करते हैं, ये भी जल्द हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। यहां पर हमें x की वैल्यू पूछी गई कि x के स्थान पर क्या आएगा, अब कैसे याद करेंगे वो एक वो क्वेश्चन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी वाली इक्वेशन हम इस्तेमाल करते हैं। यहां पर ए की वैल्यू हम 65 लेते हैं, बी की वैल्यू 60 लेते हैं और यहां पर जो इसके यहां पर मतलब आगे वाली इक्वेशन है वहां पर हम ए की वैल्यू 55 लेते हैं और बी की वैल्यू 50 लेते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे, ए की वैल्यू 65 प्लस बी की वैल्यू 60 मल्टीप्लाइड बाय ए की वैल्यू 65 माइनस बी की वैल्यू 60, यहां तक ये आ गया। अब देखिए दोस्तों इक्वल में हमें लिखना है ए की वैल्यू 55 प्लस बी की वैल्यू 50 इंटू में ए की वैल्यू 55 और बी की वैल्यू 50 इंटू में हमें मिला है एक्स की, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट निकालनी है या फिर जो भी है
तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आता है 125 मल्टीप्लाई बाई 5 ये आ गया, इज इक्वल टू में क्या आता है यहाँ पर दोस्तों इनको जोड़ दीजिए तो 105 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड मल्टीप्लाई बाई x। अब दोस्तों हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकलेगी, 5 से 5 को कैंसिल कर दो। अब देखिए 125 एंड 105 यानी कि 125 और 105 हमारे सामने दिए हुए हैं, तो इनको सॉल्व करने के लिए दोस्तों क्या है, इनको 5 से कट करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों 5 से कट करते हैं, लेकिन 5 से कट करने से अच्छा है कि इस 105 को इस इक्वल के चिन्ह से यहां पर लेके आ जाते हैं, हम यहां पर लेके मतलब आपको इसके बारे में कुछ रूल्स मालूम होने चाहिए कि जब हम इक्वल के चिन्ह से किसी मल्टीप्लाई के चिन्ह को एक साइड से दूसरी साइड अगर लेकर जाते हैं तो वो जो है उसका जो चिन्ह है वो चिन्ह मल्टीप्लाई वाला भाग में चेंज हो जाता है, भाग वाला मल्टीप्लाई में चेंज होता है, प्लस वाला माइनस में चेंज होता है और माइनस वाला प्लस में चेंज हो जाता है। तो यहां पर कौन सा चिन्ह है, मल्टीप्लाई का चिन्ह है जो कि भाग में चेंज हो जाता है। अगर आपको ना आता हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए तो हम ये जो है 105 को यहां ले आते हैं तो क्या निकलता है, x इज इक्वल टू 125/105। अब हम इसको 5 से काटते हैं तो 5 × 10 5 × 5 5 × 10 और 5 × 25 ये आ गया, तो हमारे पास जो x की वैल्यू आती है वो क्या आती है 25/21। तो इस प्रकार से जो है आपके x की वैल्यू आ जाती है, तो यह आपका आंसर में ऑप्शन नंबर जो सी है वो है 25/21। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन है यहां पर 55 × 25 + 25 × 25। तो इस प्रकार का इक्वेशन दिया हुआ है, बट्टा में नीचे 30 दिया हुआ है, 30 का स्क्वायर है सॉरी। तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन जो है वो आपके सामने दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है उनमें ज्यादा बच्चे सोचने लग जाते हैं कि सर ये तो बहुत हार्ड है, बहुत बड़ा दिया हुआ है, लेकिन नहीं, हमें इसको छोटा कर देना है, बस इसका सॉल्यूशन निकाल देना है। कैसे निकालेंगे, स्टेप बाय स्टेप अगर आप सॉल्यूशन करोगे तो बोर्ड मास का नियम तो आपको याद रखना ही है। तो बोर्ड मास के नियम में सबसे पहले क्या सॉल्व होता है दोस्तों, ब्रैकेट, लेकिन यहां पर इस पूरे प्रश्न में कहीं पर ब्रैकेट है ही नहीं, हाँ इसके नीचे दिया हुआ है लेकिन वो सिर्फ एक ही संख्या के ऊपर ब्रैकेट है। बाई चांस ये ब्रैकेट ना होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रैकेट के बाद हम सॉल्व करते हैं भाग, क्या भाग सॉल्व करते हैं, सॉरी ऑफ सॉल्व करते हैं, और लेकिन ऑफ यहां पर है नहीं, फिर हम करते हैं भाग, और देखिए भाग भी यहां पर है नहीं, फिर हम सॉल्व करते हैं गुणा यानी कि मल्टीप्लीकेशन, और यहां पर मल्टीप्लीकेशन दिए हुए हैं, एक ये वाला रहा, एक यहां पर मल्टीप्लीकेशन है, एक यहां पर मल्टीप्लीकेशन है और एक यहां पर मल्टीप्लीकेशन है, चार जगह मल्टीप्लीकेशन है। तो चारों को सॉल्व करते हैं दोस्तों, कैसे सॉल्व करोगे आप, इसको सॉल्व करने के लिए जो है इसमें एक और शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बताता हूं, छोटी सी है, इतनी ज्यादा बड़ी शॉर्टकट है नहीं वो, लेकिन ठीक है हम इन सबको कोष्टक में बंद कर लेते हैं, ठीक है, इनटू वाला चिन्ह जो है इन सबको कोष्टक में बंद कर लेते हैं, ये इनटू का चिन्ह है जी हाँ, तो हमने इनको कोष्टक में बंद कर लिया, ये हम खुद कर रहे हैं कोष्टक में बंद। अब देखिए कोष्टक में बंद करने के बाद कॉमन लेना आपको आता होगा, कॉमन मतलब एक समान चीजों को बाहर निकालना, बाहर कैसे निकालेंगे, इन सब में देखिए दोस्तों 5 या फिर कह सकते हैं 25 जो है वो कॉमन आ सकता है, 25 को जैसे हम बाहर लिख लेते हैं यहां पर। अब देखिए इसमें से हमने 25 को बाहर निकाला, मतलब कि या इसमें या इसमें या फिर इन दोनों में हमें 25 का भाग देना है। आपको कॉमन निकालना तो आता ही होगा, अगर नहीं आता है तो मैं एक बार चलिए आपको कॉमन लेना समझा देता हूं। कॉमन लेने का मतलब होता है
कि सपोज 10 प्लस 15 प्लस 20 ऐसी कोई संख्या लिखी हुई है। अब इसमें हमें कोई चीज कॉमन निकालनी है, कॉमन का मतलब होता है उस चीज को इस ब्रैकेट से बाहर निकालनी है। अब बाहर कैसे निकालेंगे, वो चीज निकालनी है जिसका भाग इसमें भी जाता हो, इसमें भी जाता हो और इसमें भी जाता हो। आगे बात समझ में, तो देखिए हम यहां से 5 को बाहर निकाल सकते हैं। देखिए 5 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो हमने यहां पर 5 को बाहर निकाल दिया। अब 5 को बाहर निकालेंगे मतलब 5 का भाग इसमें भी देना है, तो 5 का भाग इसमें देते क्या आता है 2, 5 का भाग इसमें देते हैं 3 और 5 का भाग इसमें देते हैं 4, तो ये आ गया कॉमन। अब चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, बात वो की वो है। इसी प्रकार से यहां पर भी हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। हमने क्या कॉमन ले लिया, 25। अब 25 का भाग देते हैं 55 या 55 में। अब देखिए दोस्तों 55 में कभी भी 25 का भाग नहीं जाता, लेकिन जब हम इस 25 को 5 × 5 में कन्वर्ट कर देते हैं, मान लो 5 × 5 में कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्ट कैसे करते हैं, देखिए दोस्तों 5 × 5 को भी हम क्या कहते हैं 25, 12 समझ गए, क्योंकि 5 × 5 = 25, तो ये 25 हो गया। अब इस 5 से इस 5 का भाग इसमें दे देते हैं तो कितनी बार गया, 11 बार। इस 5 का भाग इसमें दे देते हैं तो कितनी बार गया, 11 बार। उसी प्रकार से इस 25 का भाग हम इसमें देते हैं तो ये पूरा का पूरा 25 कट हो गया, और यहां पर भी पूरा का पूरा 25 कट हो जाता है। अब देखिए पीछे क्या बचा, 11 × 11 एक तो ये बचा, माइनस में 2 × 55 क्योंकि ये वाला 25 यहां से कट हो गया, फिर बचा है प्लस में 25 जो कि 1 25 कैंसिल हो चुका है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन, और नीचे जो बट्टा में आपके हैं 30 × 30 क्योंकि 30 का स्क्वायर है, मतलब कि 30 × 30। अब हम क्या करते हैं यहां पर दोस्तों, देखिए यहां पर भी हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, किससे कैंसिल कर सकते हैं, 5 से। 5 का भाग 25 में दिया कितनी बार गया, 5 बार। 5 का भाग 30 में दिया कितनी बार गया, 6 बार, ठीक है। फिर 5 × 5 और 5 × 6 = 30 यानी कि 5 का भाग 5 में दिया एक बार और 5 का भाग 6 में दिया, सॉरी 5 का भाग 30 में दिया 6 बार, तो यहां से ये 25 यहां से कैंसिल हो गया। अब यहां पर बचे 6 × 6 और ऊपर बचे 11 × 11 माइनस 2 × 55 प्लस 25। अब चलिए ये लेते हैं, 11 × 11 121 माइनस में क्या आता है 55 × 2 110 प्लस में क्या आता है 25 और बट्टा में आता है 36, कितना आता है 6 × 36 6 × 36। अब इसको हमें सॉल्व करना है, 121 में से 110 को माइनस करते हैं तो क्या आता है दोस्तों, 121 में से 110 को माइनस किया 11, इस 11 में 25 को जोड़ना है और उसमें 36 का भाग देना है, तो क्या आता है 11 में 25 को जोड़ते हैं तो क्या आता है 36, और 36 में 36 का भाग देंगे तो 1, आंसर क्या आएगा 1। अब इतनी बड़ी रामायण हमने की, देखिए दोस्तों इतना बड़ा प्रश्न दिया हुआ था, इसका आंसर क्या निकला 1, क्या निकला 1, सिर्फ 1 इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं, चलिए ₹65 − 56² बट्टा 3 का स्क्वायर क्या है, 3 का स्क्वायर। अब यहां पर भी दोस्तों क्या स्कीम हम यूज कर सकते हैं ये बताइए, क्योंकि ये होल स्क्वायर है, क्या है दोस्तों ये होल स्क्वायर है। अब आपको इक्वेशन के बारे में एक बार फिर से बताता हूं, एक इक्वेशन आती है a - b का होल स्क्वायर, क्या आती है a - b का होल स्क्वायर। अब अगर आप ये इक्वेशन यूज करना चाहते हो यहां पर, तो वो इक्वेशन आपको हार्ड पड़ेगी। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, ज्यादा ओवर स्मार्ट बनकर ऐसी इक्वेशंस का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ऐसी इक्वेशंस का
इस स्थान पर इस स्टेज में हमें इस्तेमाल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि सिंपल सी बात है, 65 में से 56 को माइनस कर दो, यानी कि सबसे पहले सोल्व कर दो किसको, ब्रैकेट को। ब्रैकेट को सोल्व किया, 65 में से 56 को माइनस किया तो कितना आ गया हमारे पास, 9। क्या आ गया, 9। अब 9 का स्क्वायर एंड नीचे आ गया 3 का स्क्वायर आ गया। अब इसे हमें निकालना है सॉल्यूशन, निकाल सकते हैं। अब इसमें क्या है दोस्तों, एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाई बी का होल स्क्वायर। आपको मालूम होता है कि ए का भी स्क्वायर है और बी का भी स्क्वायर है, तो हम उसको ए बट्टा बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी कि ये जो स्क्वायर है ये ए पर भी है और बी पर भी है, तो हम इसको भी कैसे लिख सकते हैं, 9/3 का होल स्क्वायर। अब हम सबसे पहले कोष्टक को सॉल्व करते हैं, 3 + 3 = 9, सॉल्व कर दिया तो फिर क्या निकला, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 9। अब अगर आप यहां से इसको ऐसे सॉल्व ना करो तो सीधा सॉल्व कर सकते हो, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, और 3 का स्क्वायर 9, भाग दिया 9। आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी हाँ, आंसर सेम आ रहा है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। सोलह का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर, ये प्रश्न दिया हुआ है आपके पास सामने। ये तो शायद अभी हो चुका था, नहीं? चलिए चलिए हो चुका है, लेकिन चलिए फिर से एक बार इसको वापस समझा देता हूं। कैसे समझाते हैं इसको, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 इंटू 4 का स्क्वायर 16। सीधा सॉल्व कर दो, इसका से कर दो मल्टीप्लीकेशन और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब जो है एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, ये तो बड़ा हार्ड क्वेश्चन नहीं होगा, आप खुद कर सकते हो इसको, इसका स्क्वायर कैसे निकालोगे। अब मोस्टली बच्चे क्या कर देते हैं, यहां पर एक मिस्टेक कर ही देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं। क्या करते हैं मिस्टेक कि 999 को 999 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसका आंसर निकालते हैं और समय की बर्बाद कर देते हैं। लेकिन हमारे पास शॉर्टकट ट्रिक है, एक दिखाता हूं मैं आपको। शॉर्टकट ट्रिक क्या यूज करनी है कि जब 999 दिया हुआ है तो हम उसको 1000 में से 1 को माइनस करें और उसका होल स्क्वायर लिखे। क्या ये 999 का स्क्वायर नहीं है? हाँ है, क्योंकि 1000 में से 1 माइनस किया तो क्या आएगा, 999 होल स्क्वायर। चाहे 999 का होल स्क्वायर लिखो या फिर 1000 माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखो, बात वो की वो है। तो यहां पर हमें शॉर्टकट ट्रिक का इस्तेमाल करना है। आ गई बात समझ में? चलिए देखते हैं। अब यहां पर हमें इक्वेशन का इस्तेमाल करना है। क्या करना है, इक्वेशन का इस्तेमाल करना है। इक्वेशन कौन सी, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कौन सी इक्वेशन यूज करनी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये एक इक्वेशन है मैथ्स की। अगर आपको इक्वेशन के बारे में जानकारी नहीं है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका जो भी चैप्टर है वो चैप्टर में आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, एक्स्ट्रा जो वीडियो में अभी जो ये ले रहा हूं, ऐसी कैसी एक और वीडियो अपलोड होगी और आपकी सारी समस्याएं समाधान हो जाएगा। चलिए तो अब इसमें क्या है, हम ए मान लेते हैं किसको, 1000 को, और बी मान लेते हैं किसको, 1 को। अब ए का स्क्वायर लेना, देखिए सबसे पहले क्या करना है, हमें ए का स्क्वायर लेना है। तो ए का स्क्वायर मतलब 1000 का स्क्वायर माइनस 2ab। 2a क्या है हमारे पास, 1000, और b क्या है हमारे पास, 1, प्लस b का स्क्वायर, b क्या है हमारे पास, 1, यानी कि 1 का स्क्वायर। अब देखिए 1000 का स्क्वायर क्या होता है, दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, जब 10 हो, 100 हो, 1000 हो, इनका अगर स्क्वायर आ जाए तो सिंपल सी बात है, पहले तो आप इनको एज इट इज लिख दो। यानी कि अगर एक 1000 का स्क्वायर के बारे में पूछ रहा है तो 1000 को ऐसा कैसा लिख दो,
उसके बाद 1000 में कितने जीरो हैं, तीन जीरो हैं तो तीन जीरो और लगा लो, बस ये हो गया 1000 का स्क्वायर। अगर 100 के स्क्वायर की बात करें तो पहले तो 100 को एज इट इज लिख दो, फिर 100 में कितने जीरो, दो, तो दो जीरो लगा लो, तो ये हो गया 100 का स्क्वायर। इसी प्रकार से 1000 का स्क्वायर, पहले तो तीन जीरो जो थे और फिर तीन जीरो, क्या हो गया 2000 इंटू एक, सेम बात है 2000 प्लस एक का स्क्वायर क्या होता है 1। अब बस क्या है, सिंपल सी कैलकुलेशन। सिंपल सी कैलकुलेशन क्या है दोस्तों, इसमें से हमें 2000 को माइनस करना है और फिर उसमें एक जोड़ना है, एक तो आप सिंपल सी बात है जितना आंसर आएगा उसमें सिर्फ एक जोड़ देना है, तो माइनस करते तो क्या आता है 0008 01, प्लस 1 करना है मतलब कि 0108 001, डेट इज द आंसर। तो ये आपका हो गया 999 के स्क्वायर का आंसर। एक सेकेंड, इसमें मिस्टेक कहाँ हो गई हमसे, मिस्टेक तो नहीं हुई है, सही है हमारा आंसर, चेक करते हैं। चलिए तीन जीरो लगा दी हमने, ठीक है 2000 को माइनस किया, जीरो से जीरो आ गया, जीरो से जीरो आ गया, जीरो से जीरो आ गया, यहाँ पर 8 आ गया। लेकिन हाँ यहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं ना हम, देखिए दोस्तों क्या मिस्टेक कर रहे हैं, देखिए कभी भी फास्ट मत करिएगा, मिस्टेक हो जाती है। जीरो में से जीरो गया जीरो, जीरो में से जीरो गया जीरो, जीरो में से जीरो गया जीरो, यहाँ पर जीरो में से दो को माइनस नहीं किया जा सकता, इसलिए जो ये वाला जीरो है ये इससे उधार लेता है, लेकिन इसके पास भी नहीं है तो ये इससे लेता है, इसके पास भी नहीं है तो ये इससे लेता है, लेता है तो इसके पास हो गए कितने 10। अब इस 10 में से ये इसको एक देता है, तो एक देता है का मतलब इसके पास रह गए 9, इसके पास रह गए के कितने आ गए 10, फिर ये देता है इसको, यानी कि 10 में से 2 गए पीछे बचे 8, यहां पर कितने थे 9 और यहां पर कितने थे 9, प्लस जोड़ना है 1 मतलब कि 998001। तो ये हो गया हमारा आंसर। जो गलती अभी मैंने की है ऐसी गलती कभी मत करना, तभी मैं कहता हूं पढ़ाते समय या पढ़ते समय ध्यान सारा पढ़ाई में ही होना चाहिए, कहीं इधर उधर माइंड गया तो गया। अभी मैं जो सोच रहा था वो सामने मारे बैठे हैं सर, उनके बारे में सोचने लग गया तो यहाँ पर गलती कर दी। खैर वो कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने जो गलती की उस गलती को मान भी लिया,